दोस्तों अपने गजब के हुनर से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमा चुकी हरियाणा के पिस्टल शूटर मनु भाकर आज उन बुलंदियों को छू चुकी है जिस पर हर एक एथलीट पहुंचने का सपना देखता है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है इंडिया की यंगेस्ट शूटर मनु भाकर की, जो महज 16 साल की उम्र में ना ही केवल शूटिंग में बल्कि बॉक्सिंग, टेनिस, मार्शल आर्ट, कबड्डी और थांगता जैसे गेम्स में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से नेशनल लेवल के प्राइज के साथ साथ दर्शकों का दिल भी जीत चुकी हैं। दोस्तों आज पूरे इंटरनेट पर छाई मनु भाकर केरला में हुए नेशनल चैंपियनशिप 2017 में फेमस शूटर हिना सिद्धू का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए मनु ने एक के बाद एक 9 गोल्ड मेडल जीतकर एक नामुमकिन सा प्रतीत होने वाला रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा आश्चर्य की बात यह है कि मेक्सिको में हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी अलेक्जेंड्रा को भी मात दे दी। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मनु के जन्म से 4 साल पहले से अलेक्जेंड्रा शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। और दोस्तों अभी की बात करें तो मनु इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन ISSF 2018 के वर्ल्ड कप में 2-2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम 2018 में अपने से सीनियर प्लेयर को मात देकर मनु ने साबित कर दिया है कि आपके जीतने की जिद दूसरों के बने बनाए स्किल्स पर भारी पड़ सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने 2 साल पहले शूटिंग शुरू की हो और सिर्फ 1 महीने के अंदर 2 ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिसे आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। दोस्तों मनु का यह सफर शुरू हुआ जब पिता रामकृष्ण ने 2 साल पहले उनके हाथ में पिस्टल थमाया। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन उनके पिता शूटिंग रेंज में मनु के साथ घूम रहे थे। उन्होंने मनु को यूं ही शूटिंग करने के लिए कहा। मनु ने शूटिंग की तो पहले ही शूट में उसने बिल्कुल सेंटर में 10 नंबर टारगेट पर शूट किया और फिर तभी से उसने शूटिंग शुरू कर दी। मनु के पिता मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे और माँ स्कूल की प्रिंसिपल है। मनु ने शूटिंग की प्रैक्टिस कहीं और नहीं बल्कि गोरिया गांव के यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने शूटिंग रेंज में पूरी की, जहां 6 से 7 घंटे रोज की प्रैक्टिस मनु किया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिता ने बेटी को प्रोफेशनल शूटर बनाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मनु की माँ बताती है कि पिस्टल शूटिंग शुरू करने से पहले वो एक मुक्केबाज थी, लेकिन आंख में चोट लगने की वजह से उन्हें मुक्केबाजी छोड़नी पड़ी। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मनु स्केटिंग में स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। मनु को प्रैक्टिस करने के लिए विदेश से एक शूटिंग पिस्टल मंगवाने के लिए उसे लाइसेंस की जरूरत पड़ी थी, लेकिन झज्जर जिला प्रशासन ने उसके लाइसेंस के आवेदन को रद्द कर दिया। उनके पिता के कई कोशिशों के बाद जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, तब उसके बाद प्रशासन द्वारा की गई त्वरित जांच में फाइल संबंधी त्रुटि मिलने के बाद उसे दूर करते हुए उन्हें सप्ताह भर में लाइसेंस जारी कर दिया गया। मनु की ट्रेनिंग नेशनल कोच यशपाल राणा के देखरेख में हुई है। दोस्तों यशपाल राणा एक खुद बहुत बड़े शूटर रहे हैं। उन्होंने खुद 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अभी तक मनु ने टूर्नामेंट में 9 गोल्ड के साथ टोटल 15 मेडल जीत चुकी है। पिछले 9 महीनों में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49वें रैंक से आज ISSF वर्ल्ड कप में फर्स्ट रैंक लाकर मनु ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मनु की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।